कहां से अपने को? ਉਠ ਭਰਾ ਕੀ ਕਰਨਿਆ? ਉਠ ਭੋ ਯਾਰ, ਕੀ ਤੂੰ ਬੰਗਿਆ ਫੜਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ? दो रजाइयां लिए बीच में और नीचे गद्दे पड़े हुए हैं और बाहर का माहौल देखो, ये बारिश हो रही है और परौंठे पक रहे हैं, वो देखो धुआं निकल रहा है ना। और सामने पहाड़ के ऊपर अभी आपको उस साइड वाले घर भी बड़ी आसानी से दिख जाएंगे। वैसे भी बड़ा ज़बरदस्त है वो, देखो वो हाईवे जा रहा है ना, वो पाकिस्तान वालों का हाईवे है। ये देखो वहाँ ऐसा घूम के ये, और वो देखो ऊपर चाय बना रहे हैं, वो देखो धुआं निकल रहा है ना घर में। चाय के साथ में नाश्ता वास्ता होगा। और ये देखो क्या लिखा हुआ है उनकी साइड में ना, इसको बोलते हैं नीलम, नीलम वी लव नीलम। चढ़दी कला होनी चाहिए भाई। पहले आपको ब्रिज के ऊपर लेके जाते हैं, जो ब्रिज बना हुआ है ना इंडिया और पाकिस्तान को जोड़ने वाला, यहाँ से निकल के पहले वहाँ जाएंगे। बारिश हो रही है, थोड़ा मौसम अपने साथ में नहीं है लेकिन कोई चक्कर नहीं है। हाँ, ये वाली जैकेट काम आएगी अपनी, ऊपर इनके पास नहीं मेरे पास है, किसी को चाहिए होगी तो मैं उधारी दे सकता हूँ 2 मिनट के लिए। लवा लेनी है ही। यहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी ना, वहाँ पे हम ऊपर हरे वाला मकान है ना अपना, जी जी, ग्रीन कलर के मकान में हम रात को रुके थे। और ये वाला सारा एरिया जो है ना, ये पाकिस्तान का है। वो सामने ब्रिज है ना छोटा सा, आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पे जाएंगे तीतलम में। तीतलम में हमारा कोई गेस्ट हाउस नहीं था, पाजी के पास में रुके थे, इन्होंने बड़ी अच्छी मेहमानबाजी की हमारी, बड़ा दिल खुश हुआ। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, ऊपर तो मौसम खराब हो गया होगा, जी जी, तो बंद हो जाता है रोड फिर, जब स्नो गिरती है तो फिर बंद हो जाता है। और ये छोटी सी दुकान किराने की, क्या है भाई ठीक ठाक? तो बाजार में ये दुकान भी बनी हुई है, और भी दुकानें हैं ऊपर आगे भी, तो गेस्ट हाउस है ना यहाँ पे रहने के लिए। दो गेस्ट हाउस देखा था आपने कल, हम कैसे आए थे ऊपर पहाड़ क्रॉस करके। यहाँ पे नीचे वेदर का मसला नहीं है, मसला पता कहाँ है वेदर का? ऊपर, क्योंकि ऊपर का मौसम देखो ना साज हुआ पड़ा है, ऊपर पूरी स्नो आ रही होगी इस टाइम के ऊपर। अभी आप लोग बोलोगे स्नो तो हमारे लिए आम बात है, लेकिन चेनों के बगैर वो छोड़ेंगे नहीं। कल आपने वीडियो में देखा होगा, उन्होंने बोल दिया था कि अगर चेन लेके नहीं आए तो हम साधारण टॉप से नीचे जाने नहीं देंगे आपको। ये देखो सामने अपना इंडिया का फ्लैग दिखा, दस बगता कुकड़ खाने के बगता। ये बतख है वो कुकड़ है ना, दोनों खाएंगे, एक दिन वो खाएंगे एक दिन वो खाएंगे। इतना हमने सोचा था ना उससे कहीं ज्यादा डेवलप्ड है। यहाँ पे तीन स्कूल बोले ना आपने, तीन स्कूल है, हाई सेकेंडरी है, हाँ हाई सेकेंडरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, यहाँ पे आर्मी का भी एक स्कूल है, उसमें फीस देनी पड़ती, बाकी के जो गवर्नमेंट के वो फ्री है। रोड बड़े जबरदस्त बनाए लेकिन लाइट का थोड़ा मसला है, मेरे को लगता है कि लाइट भी छोड़ देनी चाहिए इनके लिए अभी, क्योंकि यहाँ पे अभी टूरिस्ट आने शुरू हो गए बहुत ज्यादा। अगर आपको आना है ना, ये समो जा रही है ना, तो ये सम्मो यहाँ से जाती है कुपवाड़ा के तक, कितने पैसे लेती है फिर एक बंदे के? 400 रुपया। जैसे आज माहौल खराब है तो 450 लेंगे कुपवाड़ा का, श्रीनगर तक 800-750 यहाँ से सम्मो मिल जाती है। अगर आपको वहाँ से यहाँ तक आना है, आपके पास में कार या कन्वेंस नहीं है, तो आप आराम से आ सकते हो, सम्मो आती है वहाँ से 300-500 एक बंदे का, जो लगा दाव होता है वो ले लेते हैं वो। ना ना ना, ये फिक्स रेट होती है ना। अच्छा, जब मौसम खराब हो जाता है तो चेन बांधने पड़ जाए तो गाड़ी को ज्यादा होती है। अभी हाँ चेनें भी डालनी पड़ती है। ये लो भाई, हवा नहीं चल रही इसलिए थोड़ा सा कट्ठा हुआ, बड़ा ठंड लग रही है, लेकिन कोई मसला नहीं, अभी हवा चलेगी ना तो ये झूमेगा पूरा अपना तिरंगा। तो ये इन्होंने यहाँ पे बनाया, यहाँ पे परेड वेड होती है, ये इसी बार बनाया इन्होंने। अच्छा, ये नया बनाया पूरा बिल्डिंग? जी जी, हम रात को सोच रहे थे वो भी अपना एरिया जो उस तरफ वाला है, लेकिन वो तो फिर बाद में बताया जाना भाई, नहीं नहीं ये उनका रोड जा रहा है। यहाँ से ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक बड़ी ट्रैफिक चलती है, क्योंकि वो पहाड़ों में ऊपर देखो इनके घर ही बहुत ज़्यादा है, वो देखो पूरा पहाड़ घरों से भरा हुआ है। ये लिखा हुआ ना तिथवाल क्रॉसिंग ब्रिज, रात को हमको अंधेरा हो गया था इसलिए हम यहाँ पे रुके नहीं ज़्यादा। ये अभी तीन इंजीनियर बुलाए हमने, ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि यहाँ पे कैसे बिल्डिंगें बनेंगी आगे, तो अभी कैसे प्रोजेक्ट पास करेंगे। ये देखो ये इंजीनियर कतर से आए हैं, वो पहले कनाडा थे अभी वापस आ गए। ये जाना भाई यहाँ से इनको लेके आए कुपवाड़ा से। तो क्या प्लान है, बन जाएगा कुछ यहाँ पे कि नहीं बनेगा? पास हो गया, चलो चलें आगे। ये अपना ही ब्रिज है भाई, पूछेगा उनसे फिर ब्रिज के ऊपर जाएंगे आगे। ये कार पार्किंग का बोर्ड लगाओ, यहाँ पे कार पार्क करो और यहाँ से 0 माइल्स पाकिस्तान रह गया, 0 माइल्स। जाने देंगे ब्रिज के ऊपर? हाँ जाने देंगे, आ जाओ। ये वेजिटेरियन सोई है भाई यहाँ पे, इतवार सोई। ये देखो ये अजमत हिंद डेडिकेटेड टू द पीपल ऑफ कारना बाय GOC 15 कॉप्स 21 नवंबर 2023 को बना है ना ये? जी 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 जी। तो ये बिल्डिंग अभी बनाई है इन्होंने। ये पाकिस्तान वालों, पाकिस्तान में बस जा रही है रोड के ऊपर।
साल 1988। पापा कैसा लग रहा है फिर आगे? पापा पहली बार आए, पापा को मैं ही लेके आया। पापा ने कहा इतनी हिम्मत करनी थी यहाँ तक आने की, साधना टॉप से ऊपर क्रॉस करके अभी बिल्कुल एलओसी के ऊपर खड़े हैं इंडिया पार्क। और जो आपने फोटो देखी है बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली है। वैसे माहौल 26 जनवरी के चलते हुए ना यहाँ पे अंदर जाने नहीं देते किसी को, लेकिन फोटो खींचने की परमिशन दी है, शुक्रिया उनका जिन्होंने दी है। और ये जो आप एरिया देख रहे हो ना, यहाँ पे बोलते थे पहले पूरा दरख्त ही दरख्त, इन्होंने 6 महीने में पूरी कंस्ट्रक्शन की हुई है। कैमरा घूमेगा ना तो आप देखो पीछे फ्लैग लगा हुआ है, और इसकी जो ऊंचाई है 104 फीट है, क्योंकि इसकी 104 फुट की ऊंचाई है और ये यूनिट है शायद 104 होगी इसकी। भाई जो फीलिंग आती है ना सामने वालों को देख के और यहाँ पे सामने रह रहे हैं, ये एक अलग ही मजा है। जाने की खबरों के हिसाब से ये मालूम पड़ रहा है कि चेने लेके जाएंगे तो ही साधना टॉप से हमको आगे छोड़ेंगे। अभी आप लोग बोलोगे कि आपके लिए स्नो क्या होती है, आप तो 8 महीने स्नो में रहते हो, लेकिन भाई साथ में पापा आए हुए हैं, जब फैमिली साथ में होती है ना तो बंदा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके चलता है, अकेला हो कोई चक्कर नहीं होता। अब बोलना है कुछ आपको? पापा पापा नहीं बोलते, पापा बोलते हैं मैं चुप ही बहुत अच्छा लगता हूँ। ये वाला गेट है, वैसे ये गेट बंद रहता है, यहाँ पे यहाँ से नहीं छोड़ते। रेस्टोरेंट बनाए हुए हैं, कॉफी कॉफी पीते होंगे, वो देखो सामने उनके रेस्टोरेंट दिखाई दे रहे हैं। ये सारी रात मैं ट्रक देखता रहा हूँ, उनके ट्रकों की लाइटें होती हैं, बड़े सजाए होते हैं पाकिस्तान के ट्रक, मेरे को मालूम है, मैंने फोटोज देखता रहता हूँ, तो बड़ा मजा आता है भाई। सारी रात ना हमारी विंडो से यही कुछ देखता रहा। ये पहले यहाँ का कस्टम हाउस था 2000, जैसे मेरे को मालूम पड़ा है 2019 से पहले यहाँ से लोग आते थे जाते थे आर पार लीगली तरीके से, लेकिन बाद में परमिशन बंद हो गई तो अभी कोई आर पार नहीं जाता। लेकिन ये पहले यहाँ पे पेपर वेपर चेक होते थे आपके, फिर यहाँ से आपको छोड़ते थे, ये गेट खुलते थे अंदर जाते थे, लेकिन जैसा माहौल है उसके हिसाब से चलना पड़ता है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे ताले लगे हुए हैं, ये देखो 0 माइल, यहाँ से 0 माइल हो जाता है। ट्रैक्टर अपना नहीं है, ट्रैक्टर किसी और का है, हम तो कार पे ही आए हैं। यहाँ से 6-7 किलोमीटर आगे जाओगे ना तो आगे सिमारी टाउन आ गया, वो लास्ट है यहाँ पे। ये वाला रोड जो ना जिस पे हम चल रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगा, उसके आगे फिर एक ट्रैक जाता है, तो उसके आगे इंडिया ही नहीं है, उसके आगे फिर सारी दूसरी तरफ की ज़मीन आ जाती है। लेकिन जो मेन यहाँ पे आप रुक सकते हो रह सकते हो ये तिथवाल ही है, तिथवाल से आगे आप कोई फ़ायदा नहीं जाने का। और यहाँ पे गुरुद्वारा साहब भी है, एक मंदिर भी है, दोनों देखेंगे। पापा आराम से, फिसलने से पहले आवाज़ लगानी किसी को, ऊपर वाले को नहीं हमको, ऊपर वाले को लगानी पड़ेगी, सामने आएगा पुल में भाई। बहुत नीचे उतर के आए हैं, यहाँ पे ना गजीबो बना हुआ है बिल्कुल नदी के पास में ही आ गए, तो यहाँ पे तो पाकिस्तान अपने बिल्कुल पास ही आ गया, क्योंकि वहाँ से थोड़ा दूर हो जाता है। ब्रिज के ऊपर जाने की परमिशन मिलने के चक्कर में हम थोड़ा लेट हो गए, और फोटो वोटो हमने ले ली, लेकिन वीडियो वहाँ पे ज़्यादा अलाउड नहीं है क्योंकि सिक्योरिटी का मसला हो जाता है। जो भी ऊपर वाला करता है सही करता है, अगर इतनी दूर आए ब्रिज के ऊपर फोटो भी नहीं मिलती फिर थोड़ा उदास हो जाते हैं हम लोग। पूरी की पूरी पलटन हमारे पीछे आ रही है, ये देखो। एक वीडियो में आपने देखा होगा यहाँ पे अपने भाई भी आए थे, तो जो लोगों को मालूम है अपने भाई कौन है यूट्यूब के ऊपर तो उनको मालूम पड़ जाएगा, वैसे तो सारे अपने भाई हैं लेकिन कुछ एक बंदे खास होते हैं भाई। ये लगा लगा ये देख स्पेशल रखी हुई है, ये देख ये जो नदी है ना, नदी का हाँ वाला पार्ट है, इसको किशन गंगा बोलते हैं इंडिया वाले, पाकिस्तान वाले इस नदी को बोलते हैं नीलम। अगर बांटने पे आए, आपने अभी वाइल्ड लैंड देखी होगी फोटो में, तो वाइल्ड लैंड के नीचे का आधा पानी हमारा है, आधा पानी उनका है। अभी देखो पानी को कोई बांट सका अभी तक? नहीं ना बांट सका। सिस्टम बोलते हैं, जो सिस्टम होते हैं सिस्टम के हिसाब से चलता है, लेकिन पानी को बांटने वाली कोई चीज़ अभी तक बनी नहीं। इसको अभी कैसे सेंटर से बांट लोगे? जब स्नो ऊपर से मेल्ट होगी ना तो इसका लेवल 10 फुट ऊँचा हो जाएगा, 10 फीट, क्योंकि हमको मालूम है जब स्नो मेल्ट होती है तो कितना पानी आता है पहाड़ों में। ये देखो पानी यहाँ से भी क्रॉस होता है, ये पत्थर सारे, ये पानी का रास्ता बना हुआ है, ये देखो। और एक आपको ना इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, जो बंदा इस नदी में इन दिनों में नहाता है उसको इनाम देते हैं। किनारे देते हैं, इनाम है 10 रुपया। यहाँ पे अपने बच्चों को अपने बड़ों के साथ में रखो और सिगरेट सिगरेट मत पीने दो, जस्ट से नो टू प्लास्टिक बैग। ये वाला काजी नाग है, 6JK राइफल फॉर वंडरफुल पीपल, तिथवाल एंड आवर डियर कश्मीरी पंडित। वहाँ से पाकिस्तान काफी दूर है, लेकिन यहाँ पे ये सामना आधा पानी उनका है आधा अपना है, तो ये तो यहाँ से 10-20 फुट ही है। ये देखो ये लो भाई, अभी और भी पास हो गए। ये आधी नदी उस तरफ वाली नीलम है, इस तरफ वाला किशन गंगा, और वो ब्रिज है जहाँ से हम होके आए ना अभी, वो देखो यहाँ से ये रोड कितना पास हो गया, ये जा रहा है रोड।
वो वहाँ तक कितना पानी हो जाता है भाजी फिर जब स्नो मेल्ट होती है? नहीं नहीं पानी तो काफी बहुत इसका तेज हो जाता है। यहाँ आएगा ये बड़े वाले पत्थर तक आएगा? ये सारे डूब जाते हैं जी जी जी। इस जगह को बोलते हैं दो मेल। हाँ दो मेल हो गए ना, ये गया ये गया। देख लो पानी को कोई नहीं बांध सकता, चीजें बांटी जा सकती हैं, पानी को कोई नहीं बांध सकता। अभी इसमें से बताओ कौन सा अपना कौन सा उनका। तो ये सिर्फ बातें बनी हुई यार, कुछ शरारती आंसर होते हैं बस उनकी वजह से, नहीं तो कितना दिल लगता। हम उधर जाते, उधर से इधर आते, वो वाला ब्रिज क्रॉस करना था हमने। वो देखो पाकिस्तान का फ्लैग भी नजर आ रहा है यहाँ पे। ध्यान ना ध्यान ना ध्यान ना नहीं यार पापा, जिंदगी की यादें हो जाएंगी। ये जो लम्हे है ना, इनका जो मूल्य ही नहीं है इनका, ये प्राइसलेस मूवमेंट होगी भाई। बहुमूल्य चीजें हैं ये देखो। किस्मत वालों को मिलता है ऐसा काम। एक तरफ हमारे भाई हैं, इधर भी हमारे भाई, हम तो इधर के ही हैं, ये हमारे भाई हो गए सामने। बड़ा मजा आया भाई, एक फोटो पापा के साथ में यहाँ पे खिंचानी है मैंने। पापा को लेके आए भाई यहाँ तक, ये आकर है, इसके आगे भी पानी है, हम उधर हम जा नहीं सकते। लेकिन जब वीजा मिल गया ना, वीजा तब जाएंगे। पापा जाएंगे ना, सारे भाइयों को मिल के आएंगे भाई उधर भी पक्का। एक्साइटेड हो गया मैं। मैं भी ना पक्का। डॉक्टर है, एक मिनट पूछता हूँ, डॉक्टर है भाई गाँव में? कर गल भाई बड़ी अच्छी घूमने वाली जगह है, यहाँ पे आओ एक बार। आओ गर्मियों में, सर्दियों में नहीं, क्योंकि रास्ते में रास्ता दूसरा है। अगर सर्दियों में आना है तो यहाँ पे समो लगी होगी, समो में चढ़ के आओ कुपवाड़ा से। पानी पे स्नान करने होते थे। अच्छा वो वाला बोर्ड लगा हुआ है ना, वो वाला ऊपर जो बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे स्नान करने के लिए आते हैं पंडित लोग, शुद्ध मानते हैं यहाँ पे। लेकिन भाई पानी बहुत ठंडा है, उंगली नहीं डाल सकते आप इसमें। हेलो हाय। अभी आपने मुंह बांध कर लिया, अभी पहले कितना सांस लो जैसे ले रहे थे, ऐसे कर रहे थे ऐसे। अभी पापा भी सही हो गए, पापा भी पहले ऐसे कर रहे थे। नहीं तेरे को दिखाने का फायदा नहीं ना। नहीं फायदा नहीं तेरे को। ये तो गिरने ही वाला था ऊपर चढ़ते जाता, अगर 100 मीटर भी और होता ना बस खत्म। फिर उसने कहना था थार इधर ही लेके आओ, मेरे को बिठा के ले जाओ। कहाँ नीचे दिखाई नहीं देता, यहाँ पे हम गए थे वो नीचे उधर, और देखो कहाँ पे। तो जाना भाई बोलता है इसलिए हमारे परौंठे बाहर आ गए, क्योंकि बहुत ज्यादा चढ़ाई है उधर से। लेकिन मैं हमेशा सोचता हूँ कि ये लोग बड़े फिट रहते हैं। क्यों भाई जी, आप तो चलते फिरते रहते हो ना। ये तो पहाड़ी चढ़ते हैं ऐसे ही और ऐसे ही नीचे आ जाते हैं जी। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और सुबह सुबह इन्होंने चाय पिलाई नमकीन वाली ट्रेडिशनल चाय, तो भाई बड़ा मजा आया पी के। कैसे बनाते हो एक बार बताओगे वीडियो में? ये आसाम से बन के आती है चाय, जिसको हम कश्मीरी चाय बोलते हैं। अच्छा, इसको ठंडे पानी में डालते हैं थोड़ी सी, फिर इसको उबाल के पका के थोड़ा सा इसमें हम पानी डालते हैं, बाद में नमक डालते हैं। अच्छा, फिर दूध को उबाल के उसमें डालते हैं। दूध अलग उबालना या उसी में? हाँ, अलग से उबालना है, दूध अलग से उबाल के इसमें मिक्स कर लेना। मिक्स करना तो वो बनती है, जो जसीम होते हैं ना वो खत्म हो जाते हैं। तो इससे बनती है भाई कश्मीरी चाय नमक वाली। तो एक कप पीते हो आप डेली? हाँ डेली पीते हैं। उसके साथ में इन्होंने सुबह हमको खिलाई है मक्की की रोटी, वही सॉफ्ट वाली, तो मैंने तो भाई एक डेढ़ खाई है, मजा आ गया। मेरे को मक्की की रोटी बहुत कम पसंद आती है, खाता हूँ, लेकिन ये वाली मेरे को पसंद आ गई। अभी घर जाके लड़ाई होगी जब मैं बीवी को बोलूंगा कि भाई वो वैसे वाली पका के दे, उसने बोलना हमसे तो वही पकेगी भाई, वहाँ लफड़ा हो जाएगा। आपके घर में औरतें पकाती है ना रोटी? हाँ बिल्कुल। तो बस सुन लो, देख रही होगी अभी वो ब्लॉग जब आएगा ना, तो भाई औरतों ने बनाई है तो आप भी बना के दोगे हमको वो सॉफ्ट वाली रोटी। आटा भी लेके आएंगे, आटा हम लेके जाएंगे यहाँ से, अगर फिर भी नहीं बनी फिर ज्यादा लफड़ा होगा। ये खड़ी है ये, कहाँ मेरी उंगल, ये देखो जीप है, ये देखो। ये आपको एक चीज दिखाता हूँ, गौर से देखना, ये होटल है ना, ये मेरी उंगली के पीछे तार के पीछे मोर्चा है उधर वाली आर्मी का, उनको हाय बोल देते हैं, सत श्री अकाल हेलो। अगर उधर से भी कोई अपने को बंदा देखता ना भाई, तो हमारा सलाम ले लो, क्योंकि हम इस तरफ नहीं जा सकते, लेकिन आएंगे वाघा बॉर्डर से। मेरे पास तो पासपोर्ट उधर का ही है, तो मेरे को वीजा आसानी से मिल जाएगा, तो सारे यार भाइयों को दोस्तों को मिल के जाएंगे अगर ऊपर वाले ने मौका दिया तो। बैठे हुए बातें कर रहे हैं, जैसे हम अपने गांव में बैठते हैं ना टोलियां बना के। ये देखो कौन सा टॉपिक चल रहा है आज? क्रिकेट के शकीन बहुत है बंदे, कल हमको रास्ते में मिले थे ना, क्रिकेट खेल रहे। शुक्रिया करण डाल के उसके बाद में CH लिखो स्पेस डाल के। ये वाला छोटा सा मस्जिद है और मदरसा भी है इनका साथ में, यहाँ पे पढ़ाते भी है बच्चों को बच्चियों को। और ये भाई हमारे साथ में एक नया जुड़ा है, क्या नाम है भाई? साहिल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सिक्स। अच्छा क्या हाल है? ठीक ठाक। ये छोटी छोटी दुकानें भी हैं यहाँ पे। अरमान के लिए पैंट देखनी पापा? वो देखो
वो बाहर टांगी हुई है छोटे वाली। वो सामने एक छोटा सा गुम्बद दिख रहा है, तो शायद वही गुरुद्वारा साहब होगा जिसके लिए हम जा रहे हैं। ओ डियर डियर, नहीं बकरी है। तो ये सारा गांव है भाई तिथवाल, ये देखो। हाथू सुटला, ये रास्ता जाएगा ऊपर को, यात्रा टेंपल एंड सेंटर शारदा। अपने अपने एक एक गियर डाउन कर लो, जैसे कनाडा में बोर्ड लगे होते हैं लोअर गियर। भाई कितनी चढ़ाई है? हम पे ज्यादा विश्वास मत करना, हम इतनी चढ़ाई नहीं चढ़ सकते, हम पंजाब से आए हैं। हमारे सारे परौंठे बाहर आ जाएंगे। हमने पहचान लिया था गुरुद्वारा साहब है, और साथ में निशान साहब दिखना शुरू हो गया मेरे पीछे। पहले मंदिर का दरवाजा है, मंदिर से होके फिर आगे गुरुद्वारा साहब है, दोनों को दरवाजा एक ही लगा हुआ है। बढ़िया लगा ये बात, मैं इसलिए कैमरे में बोल रहा हूँ कि एक ही दरवाजा और दोनों पवित्र स्थान उसके अंदर बने हुए हैं। जब बनाने वाले ने फर्क नहीं किया तो हम कौन होते हैं फर्क करने वाले। बंद है, मैंने खुला है, खुला है, ये देखो आईफोन ने जूम करके दिखा दिया खुला है। अभी यहाँ पे पापा की तो उम्र ज्यादा होगी ना, पापा को तो हम नहीं बोलेंगे। ये जो बंदा दरवाजा खोल रहा है इसको बोलो अंदर जाएगा तू? एक मिनट, वो आ रहे हैं अंदर से। ये देखो स्पेशल लिखा हुआ है, प्लीज डू नॉट एंटर टेम्पल आफ्टर कंज्यूमिंग मीट। इसके अंदर नहीं जा सकते। ये दिखाओ यात्रा टेम्पल, यात्रा टेम्पल आ सकते हैं सर अंदर? हाँ ठीक है ठीक है, जूते यहाँ पे उतार के आ सकते हैं ना? कृपया जूते यहाँ उतार कर जाएं, और जो बंदे नहा के नहीं आए कृपया बाहर ही रुकें, उनके लिए मैं प्रसाद लेके नहीं आऊंगा क्योंकि वो नहाए नहीं है ना। चल साढ़े बंदे मत हटे, काम कर दे, अपना रुमाल दे दे, सब पापी लोग लेके आए साथ में। आपको छोड़ के पापा को भी छोड़ देते। पैर पीछे, पैर पैर पीछे। तो ये पहले मंदिर आ गया तिथवाल में, पहले माथा टेकेंगे, और जिसने पेटीएम करना है पेटीएम भी कर सकता है। अगर आप लोग यहाँ पे दान पुण्य करोगे अपनी कमाई से तो ही ये चीज़ें बनती है ना। यहाँ पे मंदिर और इसके आगे हमारा गुरुद्वारा साहब भी है, तो रास्ता एक ही है दोनों के लिए। तो यहाँ से होके जाएंगे आगे, और ये सामने छोटा सा गुरुद्वारा साहब और हमारा निशान साहब भी बना हुआ है, और यहाँ पे भी पेटीएम बाहर लगा हुआ है। आपकी मर्जी है, कैश दे दो, डोनेशन बॉक्स सामने देखो बाबा जी का रखा हुआ है। अगर कैश चढ़ानी है तो वहाँ पे, नहीं तो पेटीएम करना है तो यहाँ से कर दो। तो ये रुमाल भी पड़े हुए हैं, जिसके पास में रुमाल नहीं है रुमाल यहाँ से ले सकता है, लेकिन अंदर नंगे सिर नहीं जा सकते। इसके मंदिर है ना, मंदिर की जो मेंटेनेंस है साफ सफाई का काम है, ये मुस्लिम घर है साथ में ये लोग करते हैं, लेकिन वैसे यहाँ पे एक पंडित जी हैं वो अंदर पूजा वगैरह करने के लिए यहाँ पे आते हैं। और गुरुद्वारा साहब के लिए एक सरदार पाजी हैं, उनका घर ऊपर पहाड़ी के ऊपर है उस तरफ पीछे, वो भी आते हैं सुबह शाम संडे को, और फिर वो अंदर आके पाठ करते हैं, प्रकाश करते हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का। तो कितनी बड़ी बात है यार, एक ही जगह में दोनों चीज़ें बनी हुई है। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा भैया बढ़िया लगा आपने अंदर आने दिया। आप लोगे? नहीं नहीं, वैसे रोज नहाता है, आप कमेंट सेक्शन में कुछ मत बोलना इसको, आज नहीं नहाया, आज पानी ठंडा था। भाई किसी को बताना मत तिथवाल में कि ये नहाया नहीं आज, ठीक है। एक और काम की चीज़ देखो, ये वाली जो मस्जिद है ना, ये सामने वाले लोग करते हैं उसमें नमाज, और ये वाली हमारी है, ये क्लियर हो जाएगी अभी। आगे दरख्त आ गया। ये छोटे उस्ताद को बड़ी ठंड लग रही है, इतने कपड़े डाले हुए, एक ये फेरन डाला हुआ, ये नहाया नहीं इसलिए ठंड लग रही है तेरे को। छोटी सी दुकान है किराना स्टोर, और ये सब्जी की दुकान है, यहाँ से सब्जी वगैरह मिलती है। ये देखो साथ में ग्रोसरी होगी, और वो भाई का सलून भी है यहाँ पे। चाचा सही है? ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ये तीनों मैंने दोस्त बना लिए, अभी मेरे साथ में आ रहे हैं। ये छोटा उस्ताद है साहिल, तेरा राहत। तो ये सारे क्रिकेट के प्लेयर हैं, ये पूरा गेम लगता है, पूरा पूरा गेम लगता है इनका। तू खेलता है? नहीं खेलने देते, देते हैं। वो देखो कहाँ पे काम चल रहा है ऊपर, वो देखो पहाड़ों में मौसम देखो, ऊपर खराब हो गया सारा, ये ऐसे बादल नीचे आए ना, डैड मीन्स की स्नो पड़ रही है ऊपर। ओ इधर भी देखो कैसा मौसम खराब हो गया भाई, सुबह यहाँ पे कुछ भी नहीं था, सारा क्लियर था, इसके पीछे पहाड़ था। मैं तो फंसता रहता हूँ कनाडा में स्नो में, आज पापा और वो भी फंसेगा, भाई भी, उनको टेंशन पड़ी हुई है, बोलते हैं जल्दी से निकलो यहाँ से नहीं तो फंस जाएंगे। जब लिखा होगा फंसना तो फिर कैसे निकलेंगे, लेकिन अगर निकलना लिखा होगा तो फिर फंसेंगे कैसे। यहाँ पे भी रूम अवेलेबल हैं, जैसे हम वहाँ पे रुके थे, वो तो उनका अपना घर है ना, तो हम तो गेस्ट थे, इनके रेंटल नहीं थे। ये वाला इनका नंबर है और ये इनका घर है, आने से पहले कॉल कर लो, बुकिंग करवा लो तो अच्छा रहता है। एग्जॉस्ट सिस्टम देखो घरों का, ये एग्जॉस्ट है। स्कूल है आर्मी गुडविल स्कूल,
आर्मी का और ये स्टेडियम है। अगर रात को कहीं आपको जगह नहीं मिलती, सरकारी गेस्ट हाउस बने हुए ना ये वाले, आप यहाँ पे रुक सकते हो। क्या हाल है छोटे उस्ताद, ठीक हो? ये आई गाड़ी, आय हाय हाय हाय, नहीं वो पीछे ले रहा है, पीछे ले रहा है। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्लास ड्राइवर, वो वाला मैं नहीं, वो वाला। थोड़ा अंदर ले लो भाई, उसका गियर नहीं लग रहा था ना पहले, ऐसा ले लो, ऐसा ले लो। शुक्रिया, हरकत है अपनी गाड़ी ना पेंदा है भाई। पहाड़ी के नीचे थार को खड़े करके ब्लॉग एंड कर देते हैं, लेकिन अगर आपको कोई भी पार्ट अच्छा लगा है आपको लाइक करना पड़ेगा, और अगर आपका दिल कर रहा है तो सब्सक्राइब भी कर दो। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में, लेकिन जाने से पहले एक और चीज देख के जाओ, यहाँ से हमने ब्रिज क्रॉस किया था ना, ब्रिज के ऊपर गए थे, वहां से अपने को टी शर्ट गिफ्ट हुई है ये वाली, और इसके पीछे क्या लिखा हुआ, अजमत ए हिंद इतवार, तो आर्मी ने गिफ्ट किया है। थैंक यू सबका, उन्होंने साथ दिया और अंदर जाने दिया भाई। मिलते हैं एपिसोड अगले में, यहाँ से वापस जाने वाले में। रब राखा। When I know, I'll know. Hand in hand like left, right, left, right, oh. Oh.